हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की सिंपल से वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत छोटी सी बीमारी होती है लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा करती है। इवन खाने पीने में परेशानी, ज़्यादा बोलने में परेशानी, ज़्यादा हंसने में परेशानी। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है क्रैक्ड लिप्स की। खास करके कॉर्नर से अगर वो लिप्स फट जाएँ, सिंपली आप में एक पिक लगाऊंगा। अगर ऐसी कंडीशन आपकी बार बार होती है, ठीक होने में नहीं आती है, तो आप इसमें होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आपकी कंडीशन परफेक्टली ठीक हो जाए। जनरली इस बीमारी को देखा जाता है कि हमारे जो कॉर्नर्स होते हैं मुंह के, यहाँ पे छोटे छोटे घाव होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे जख्म बन जाता है और यहाँ पे एक कट सा लग जाता है, इसको क्रैक्ट हो जाता है यहाँ पे जो हमारा जॉइंट होता है लिप्स का। तो दोस्तों, देखा जाए ये कंडीशन आपकी ज़्यादा हंसने से भी आपकी बढ़ सकती है, ज़्यादा बोलने से भी हो सकती है, और खाने पीने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सारी जो नमक मिर्ची वाली चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा लग के जाती हैं। इसमें कुछ दिन मेडिसिन करते हैं, ठीक हो जाते हैं। कुछ दिन मेडिसिन कर लेते हैं, कुछ लगा लेते हैं, तो कंडीशन थोड़ी बेटर हो जाती है। बट इसमें मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये पूरा कंप्लीट हील होने वाला होता है और थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम रह जाए कि 10% बीमारी रह गई है, 10% हील होने से रह गया है, और आप इसमें तेज़ से हंस लें, तेज़ से मुँह खोल लें, या तेज़ से आप जम्भाई ले लें, तो ऐसे में जो फिर से वो क्रैक जो है पूरा बन जाता है। तो इसलिए इसको हील होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जनरली आप होम्योपैथिक मेडिसिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं दो होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा और एक सिंपल होम रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं, घी में जो हमारा घी होता है इसमें आपने थोड़ा सा नमक लगाना है, उसको आप मिक्स कर लीजिए और इसको दिन में 3 बार अपनी नाभि पे लगाइए। सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी समय आप वैसे लगा सकते हैं। कम से कम आपको ये दिन में 3 बार लगाना है, डेली लगाना है, ठीक है? क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा जल्दी रिलीफ मिलेगा, कई तरह के रोगों से इससे आराम मिलता है। तो आपको केवल ये सिंपल सी प्रक्रिया करनी है। आपके आसपास अगर आपके पास वैसलीन है या फिर कोई मॉइस्चराइजर है, आप उस पर अप्लाई करके देखें, उसको सूखने ना दें। खाने में ज़्यादा खट्टा मत खाइए, ज़्यादा तेज़ हंसी मत, ज़्यादा जम्भाई मत लीजिए और ज़्यादा तेज़ आप मुंह मत खोलिए, अदरवाइज ये आपकी कंडीशन ठीक नहीं हो पाएगी। बात आती है होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो सबसे पहले जो आपको टॉप ग्रेड मेडिसिन यूज़ करनी है उसका नाम है कोंडोरेंगो मदर टिंचर। ये काफ़ी अच्छी और स्पेसिफिक मेडिसिन मानी गई है होम्योपैथी में, क्योंकि ये देखा मैंने हाल फिलहाल में, पेशेंट को मैंने मेडिसिन दी थी तो वो 6-7 दिन में बिल्कुल कम्प्लीटली वो ठीक हो गया कोंडोरेंगो से ओनली। तो आपको इसमें कोंडोरेंगो मदर टिंचर यूज़ करना है। इसकी 8-10 बूंदें आपको नॉर्मल पानी में डालनी है। खाना खाने के बाद दिन में 3 बार आप ये दवा इस्तेमाल कीजिए। धीरे धीरे देखेंगे आपकी जो कंडीशन है वो हील होनी शुरू हो जाएगी। ये दोस्तों पहली मेडिसिन, ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, पीने की मेडिसिन है। ये आपको होम्योपैथिक स्टोर पे या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आप इन सारी मेडिसिन को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें आती है नेट्रम्यूर 6X। नेट्रम्यूर जो कि NaCl से बनी हुई है, जो नॉर्मल साधारण नमक होता है उससे मेडिसिन बनी हुई है नेट्रम्यूर। तो आपने इसकी ज़्यादा हाई पावर यूज़ नहीं करनी है, आपने इसको 6X पावर में यूज़ करना है। मतलब ये आपको टैबलेट्स फॉर्म में मिलेगी, तो आपने एक बार में इसकी 4 से 5 टैबलेट लेनी है और सुबह, दोपहर, शाम बिना पानी के ये मेडिसिन आपको ऐसी खानी है, चबानी नहीं है, चूस के मेडिसिन आपको खानी है। तो यहाँ पे दो मेडिसिन हो गई है, इसको आप खाने से पहले ले लीजिए नेट्रम्यूर को, और सेकेंड जो मेडिसिन है कोंडोरेंगो, इसको आप खाना खाने के बाद ले लीजिए, ठीक है? ये दोनों ही मेडिसिन सफिशियंट है। और अप्लाई करने के लिए आप नाभि पे घी लगाते रहिए नमक मिक्स करके। आप देखेंगे 8 से 10 दिन में आपकी जो कंप्लीट जो है हील होनी शुरू हो जाएगी, और एक बार जब ये कंप्लीट हील हो जाएगी अंदर तक, तो आपको बार बार इससे सामना नहीं करना पड़ेगा। खाने पीने में आप विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा तला भुना मिर्च का ना खाइए, क्योंकि ये सारी इंडिकेट करती है कि आपके पेट के अंदर समस्याएं चल रही हैं। तो दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।